स्लेंडर मैन के हॉरर लेजेंड के बारे में तो आप सबने सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्लेंडर मैन कौन था और कहां से आया था? आज इस स्टोरी में मैं आपको स्लेंडर मैन की रियल ओरिजिन स्टोरी के बारे में बताऊंगा। स्लेंडर मैन का असली नाम साइमन था। साइमन बचपन से ही थोड़ा अजीब था। उसे पार्क से ज्यादा घने जंगलों के बीच जाकर खेलना पसंद था। वो रात में भी जंगल में जाने से नहीं डरता था। एक रात साइमन के घर में आग लग गई, जिसमें उसका पूरा घर जल के राख हो गया। उसके पेरेंट्स की भी उस आग में जलकर मौत हो गई। वो केवल 10 साल का था जब उसके साथ ये घटना घटी। उस रात वो मदद के लिए दर दर भटका, मगर उसे कोई नहीं मिला। वो घूमते घूमते जंगल के बीचों बीच जा पहुंचा, जहां उसे एक घर दिखाई दिया। वहां एक बूढ़ी औरत रहती थी, जिसने उसे अपने साथ अपने घर पर रख लिया और उसकी देखभाल करने लगी। वो बूढ़ी औरत अपनी पोती एंजेलिना के साथ उस घर में अकेली रहती थी। कुछ ही दिनों में उस बूढ़ी औरत को साइमन ग्रैनी कहकर बुलाने लगा। एंजेलिना और साइमन साथ बड़े हुए और धीरे धीरे एक दूसरे को बेहद चाहने लगे। वो दोनों अपना सारा टाइम जंगल में एक दूसरे से बातें करते हुए निकाल देते थे। मगर एक रात एंजेलिना साइमन से गुस्सा होकर जंगल की ओर भाग गई। साइमन के बहुत ढूंढने के बाद वो जंगल में एक जगह जख्मी हालत में बेहोश पड़ी मिली। साइमन उसे घर ले आया और ग्रैनी ने उसके जख्मों पर दवाई लगाई। जब एंजेलिना को होश आया, तब उसने बताया कि काले भेड़िये ने उस पर हमला कर दिया था। साथ ही वो छटपटाते हुए बार बार किसी काले जादू की बात कर रही थी। वो बार बार अपने पेट पर हाथ लगाते हुए रोए जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे फ्यूचर में होने वाले अपने बेबी के बारे में सोच सोच कर वो रोए जा रही हो। किसी तरह साइमन ने उस रात उसे शांत कराया और अपने पास सुला लिया। अगले दिन जब वो उठी तो उसे कुछ याद नहीं था। उसके 2 साल बाद साइमन और एंजेलिना ने शादी कर ली। उनकी एक बेटी हुई, जिसका नाम उन्होंने स्लेंडरीना रखा। वो दोनों अब पास के एक दूसरे घर में शिफ्ट हो गए थे। स्लेंडरीना जब 14 साल की हुई तो उसके साथ अजीबोगरीब चीजें होने लगीं। उसे बार बार एक काला साया दिखता और कई भयानक आवाजें सुनाई देती। एक बार साइमन उस घर में जो देखा, उसे देख के उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसकी पत्नी एंजेलिना और बेटी स्लेंडरीना दोनों मुर्दा हालत में वहां पड़े हुए थे। ये देखकर साइमन पूरी तरह से टूट गया और उसने अपनी जान ले ली। पर साइमन को क्या पता था कि उसकी पत्नी और उसकी बेटी उसके साथ मजाक कर रहे थे। पर साइमन ने वो सब सच मानकर आत्महत्या कर ली थी। एंजेलिना और स्लेंडरीना ये देखकर शॉक हो गए। तभी एक काला साया साइमन की लाश में समा गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, उन्हें अजीब सा दिखने वाला एक प्राणी दिखा। उसका चेहरा गायब था। साइमन को देखकर एंजेलिना और स्लेंडरीना दोनों ही बहुत ज्यादा घबरा गए। साइमन ने उन दोनों को उसके साथ चलने के लिए कहा, लेकिन एंजेलिना ने अपनी बेटी स्लेंडरीना को कहीं बहुत दूर भाग जाने के लिए बोला। साइमन को जब तक ये बात पता चली, तब तक स्लेंडरीना कहीं दूर चली गई थी। साइमन गुस्से में आकर एंजेलिना को वहां से अपनी खौफनाक दुनिया में ले गया। तब से लेकर आज तक वो अपनी 14 साल की बेटी स्लेंडरीना की तलाश में घूमता रहता है। और तब से ही साइमन स्लेंडरमैन नाम से मशहूर हो गया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारा चैनल खूनी मंडे अभी सब्सक्राइब करिए और देखिए हिला देने वाली हॉरर स्टोरीज।